नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश का झांसी है और आपने धन की देवी और जेब में जो पैसा रहता है और पैसे के बिना कुछ नहीं होता, अगर मंदिर नहीं देखा है तो आज हम दिखाते हैं मार्केट संवाद पर। ये सिद्धपीठ माँ लक्ष्मी मंदिर है, 400-500 साल पुराना। महारानी लक्ष्मी बाई झांसी की रानी का की कुलदेवी कहा जाता है। जैसा कि सूत्र बताते हैं कि ये महारानी लक्ष्मी बाई की कुलदेवी हैं और उनकी कुलदेवी हैं और हम आप की भी कुलदेवी कहें तो कोई बुरा ना होगा, क्योंकि हम आपकी जेब में अगर माँ लक्ष्मी ना हो, पैसा ना हो, धन की देवी हैं तो कैसा लगेगा। अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। इन्हीं सीढ़ियों से जाया जाता है माँ लक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने के लिए। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें माँ के दर्शन करने का मौका मिला। ये आप जो महल देख रहे हैं, ये उसी समय का महल है, वीरांगना लक्ष्मी बाई के समय का। सामने भी वीरांगना लक्ष्मी बाई की स्टैचू है, फोटो टंगी है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उनका नारा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब हम आपको दर्शन कराते हैं माँ के। कुछ ही जगह पर विराजमान है, जैसे बम्बई में माँ लक्ष्मी का मंदिर है, बांदा में भी बना है और झांसी में प्राचीन मंदिर है माँ लक्ष्मी का। आप घर बैठ के मार्केट संवाद पर दर्शन कर सकते हैं। हाथों की लकीरों का भी अजब खेल है, मेरे प्रभु हाथों में हमारी है पर काबू में तुम्हारी है। जैसे माता जी की आरती लिखी है, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस्दिन सेवत हरि विष्णु दाता, ओम लक्ष्मी माता। ये प्राचीन मंदिर है। ये पूरा जो महल देख रहे हैं आप, वीरांगना लक्ष्मी बाई के समय का है। महालक्ष्मी मंदिर और महारानी का नाम भी लक्ष्मी बाई। जैसा कि कहा जाता है कि लक्ष्मी हुई आते अच्छी लगती हैं और दरिद्रता जाते हुई अच्छी लगती हैं। ये दोनों बहनें हैं जैसा कि बताते हैं सूत्र। तो हे माँ, सब पर कृपा करना, सबका कल्याण करना। अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें मार्केट संवाद। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।